गर्मियों का सीजन शुरू होते ही हम सब आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए आज एक ऐसी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे दो फॉर्म में आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गर्मी में ठंडक पहुँचाने वाली वो रेसिपी कौन सी है। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले हैवी बॉटम एक पैन, कढ़ाई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें आप दूध को अच्छे से बॉईल कर सकें और दूध तले में चिपके भी नहीं। तो यहाँ पर मैं मलाई के साथ ही दूध ले रही हूँ। लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 लीटर के आसपास दूध लिया है। अब दूध में जब बॉईल आएगा तो उसके बाद में इस तरीके से उसके ऊपर लेयर्स बनने लगेगी। उन लेयर्स को हमें दूध के साथ में मिलाना नहीं है। जो हमें दानेदार टेक्सचर चाहिए ना, उसके लिए हमें क्या करना है, ये दूध की जो मलाई है उसे इस तरीके से साइड में चिपकाते जाना है। एक बॉईल आएगा वैसे ही मलाई बन जाएगी, आप उसे साइड में चिपका दीजिए, आसानी से निकल जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग इसे बॉईल होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है इसमें मिल्क पाउडर। तो लगभग 3 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इससे जो है इसका जो टेक्सचर बनेगा ना वो बिल्कुल मावे की तरह बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, मिल्क पाउडर को ऐड जब हम करेंगे गर्म दूध में तो इसमें लम्स बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे कंटिन्यूस हिलाते जाना है और लम्स को हटाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लम्स हट गए हैं और यहाँ पर चीनी मिला रही हूँ मैं। दूध को बॉईल करने के बाद में उसमें नेचुरल मिठास आ जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 चम्मच जितनी चीनी मैंने यहाँ पर ऐड करी है। अब यहाँ पर 4 से 5 हम सैफ्रन थ्रेड्स ले लेंगे और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और अब यहाँ पर हमें करना है गैस की फ्लेम को बंद और इसे करना है एकदम से ठंडा। जब ये बिल्कुल वार्म और ठंडा हो जाए तब हमें क्या करना है कि एक इस तरीके से थोड़ा सा जो पैना चम्मच होगा उसकी मदद से हम इस तरीके से मलाई को निकालेंगे। ध्यान रखिएगा मलाई को गर्म रबड़ी के साथ में मिक्स नहीं करना है। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तभी आपको इसे मिक्स करना है। अब यहाँ पर मलाई को हमें हल्का सा तोड़ना भी है क्योंकि मलाई जो हमारी साइड में हमने चिपकाई थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें से निकल के आ जाती है, तो आपको उसे कट करते रहना होगा और मिक्स कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रबड़ी बनी है उसका टेक्सचर काफ़ी गाढ़ा बना है। तो हमें अभी स्टेज पे क्या करना है, इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं वार्म मिल्क ले रही हूँ, तो आपको जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी सेट करनी हो आप उतना दूध इसमें मिला लीजिए। ध्यान रखिए दूध अगर गर्म होगा ना तो इसमें कच्चापन फील नहीं होगा, तो दूध अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर रख दीजिए आप इसे फ्रिज में और अगर आप इसकी आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनाना चाहते हो तो सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में इसे चर्न कर लीजिए और इसे मोल्ड में जमा लीजिए। तो बहुत ही अमेजिंग दानेदार सी रबड़ी बनके रेडी हो चुकी है, लच्छेदार, और उसी से आप बना सकते हैं दानेदार कुल्फ़ी भी जो बचपन में खाया करते थे। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।